अगर तुम ईमो पर कॉल करते वक्त अपने कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हो, चाहे वीडियो कॉल हो या ऑडियो कॉल हो, उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो इस वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक देख सकते हो। देखो, तीन प्रॉब्लम आता है ईमो वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करने टाइम। या तो इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन आ जाता है, नहीं तो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होता है, मतलब ऑडियो वॉइस को रिकॉर्ड कर नहीं पाते हो, ये प्रॉब्लम आता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक देख लेना, सभी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। इस एक ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ, बस इस वीडियो को आप बिना स्किप करके एंड तक देख लिया ना, तो ईमो कॉल करते वक्त अपने कॉल को बहुत ही इजी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो विद ऑडियो के साथ में, ठीक है। तो चलो, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक देख लेना है। उससे पहले छोटा मोटा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले मैं ईमो एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से ईमो एप्लीकेशन ओपन होता है। अब किसी को आप वीडियो कॉल करने टाइम किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, देखो, उससे पहले मैं आपको और एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि अपने मोबाइल पर जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ना, कुछ इस तरीके से हर मोबाइल पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ये एप्लीकेशन वर्क नहीं करता है। हाँ, वर्क करता है, तो इस तरीके से अब ब्लैक आ जाता है, इसलिए मैं आपको जुगाड़ लगाकर बताने वाला हूँ, ठीक है। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप ओनली वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हो, जिसके साथ कॉल कर रहे हो उसका वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो और एक ट्रिक बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देख लेना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रिक बता देता हूँ कि आप प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है AZ, जी हाँ, AZ स्क्रीन रिकॉर्डर करके एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन बिगेस्ट यूट्यूबर भी यूज़ करते हैं, तो ये एप्लीकेशन बहुत काम का है। इस एप्लीकेशन को जस्ट डाउनलोड कर लेना है। अब इस एप्लीकेशन को ओपन करना है कि कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ काम करना है, क्या काम करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। सेटिंग पर एक काम करना है, क्योंकि ये काम नहीं करोगी तो ऑडियो नहीं आएगा, मतलब आपका ऑडियो म्यूट हो जाएगा। इसलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर सेटिंग पर टच कर देना है, ठीक है। सबसे पहले देखो वीडियो का साइज़ कितना होना चाहिए, वो अपने हिसाब से कर लेना है। उसके बाद और छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑडियो सोर्स करके, यहाँ पर आपको टच कर देना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा माइक्रोफोन, मतलब आप हेडफोन लगा कर आप बात करते तो इस ऑप्शन पर टच कर देना है, एक्सटर्नल ऑडियो के साथ में आ जाएगा, ठीक है। ये काम करना है, बस आप इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से ये आइकॉन आएगा, मतलब यहाँ पर टच कर देना है, और करने के बाद ये वीडियो कॉल हो रहा है, उसके साथ में स्क्रीन रिकॉर्डर भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दिया है। अब बंद कैसे करना है, यहाँ पर टच करो, यहाँ पर स्टॉप भी कर सकते हो, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस ऑप्शन पर टच कर देना है, ये कॉल ख़त्म हो जाएगा और आपका स्क्रीन रिकॉर्डर भी हो जाएगा, उसके साथ साथ में ऑडियो भी आ जाएगा। बस सेटिंग पर ये वाला काम करना होगा मैं जो बताया है ना। अब मान लीजिए आप ओनली ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो ईमो पर कॉल करने के साथ में, ठीक है। तो उसके लिए और एक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका नेम है वॉइस रिकॉर्ड ऐप। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ओनली अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो, मतलब अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हो, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है, फ्री में मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप वीडियो ऑडियो एक साथ रिकॉर्ड करना चाहते हो तो AZ स्क्रीन रिकॉर्डर ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग या हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।